नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी सेन और आप देख रहे हैं रानीगांव बॉयज यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। जी हां दोस्तों, आज बात कर रहे हैं नागौर जिले के खींवसर गाँव में होने वाले उपचुनाव के बारे में, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में कि कौन जीत रहा है खींवसर के उपचुनाव। विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा के भी हो चुके हैं, वहाँ से हनुमान बेनीवाल सांसद बने हैं और अब हनुमान बेनीवाल सांसद बनकर नागौर के अंदर आ चुके हैं और उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया था कि नागौर लोकसभा क्षेत्र में खींवसर के अंदर आरएलपी पार्टी भी उपचुनाव जरूर लड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि राजस्थान के अंदर किसी भी पार्टी के साथ आरएलपी का गठबंधन नहीं है और वो आरएलपी पार्टी अपने इस और अब देखना ये होगा कि खींवसर उपचुनाव में लोगों की क्या होगी राय और वो किस पार्टी को जिताना चाहेंगे। आपको बता दें कि खींवसर हनुमान बेनीवाल का गढ़ भी रहा है और वहाँ पर हनुमान बेनीवाल निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं, तो अब देखना यह होगा कि वहाँ की जनता का रुझान किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रहेगा। और इन होने वाले उपचुनाव के अंदर भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी तीन ताकतें होगी आमने सामने और अपनी जीत का संग बजाते हुए सामने कौन सी पार्टी निकल कर आएगी। बता दें कि खींवसर उपचुनाव के अंदर और आरएलपी ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर ये आ रही है कि आरएलपी पार्टी से या तो हनुमान बेनीवाल के भाई या उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतारा जा सकता है मैदान में। तो दोस्तों, अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि नागौर की जनता होने वाले खींवसर के उपचुनाव के अंदर आरएलपी की तरफ अपना रुझान ज़्यादा देगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ काफ़ी प्रशंसक लोग और गांव के काफ़ी जाट समाज के लोग भी जुड़े हैं और वो हनुमान बेनीवाल को जरूर अपना वोट देकर आरएलपी पार्टी का कैंडिडेट उतारे। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि बीजेपी या कांग्रेस किनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर आरएलपी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले थे और इस बार ये भाजपा या कांग्रेस पार्टी सामने आती है निकलकर खींवसर उपचुनाव में या वहीं पे भी आरएलपी का डंका बजता रहेगा। तो दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर राजपूत समाज और जाट समाज कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रुझान था और बाकी जातियों का आरएलपी के साथ। जाट समाज का लगभग 70-75% आरएलपी की तरफ अपना रुझान था। तो अब दोस्तों, देखना ये होगा कि इन उपचुनाव खींवसर के अंदर कौन सा जाट और राजपूतों का समर्थन किस पार्टी को रहता। तो दोस्तों, एक तरफ रुझान ये भी लगाया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है और अगर खींवसर के अंदर कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा तो सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत को मिलने वाला फंड भी वो खींवसर गांव प्राप्त करें। तो दोस्तों, देखना यह है कि अब कौन सी पार्टी को वोट देकर जनता अपना प्रतिनिधित्व सौंपेगी। लेकिन दोस्तों, खींवसर की जनता का हनुमान बेनीवाल की तरफ सपोर्ट देना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल विधायक होते हुए भी वो अपनी संसद के अंदर हमेशा गूंज और पकड़ बनाए रखते हैं और लोगों के लिए अत्यधिक प्रयास फायदे के लिए ही वो अपना कार्य करते हैं। तो दोस्तों, अब इंतज़ार है उपचुनाव का और देखना यह है कि खींवसर की जनता किस पार्टी को अपना समर्थन देगी। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।